बजट सत्र का दूसरा भाग सोमवार को हंगामेदार नोट के साथ शुरू हुआ, जब सत्ताधारी पार्टी के सांसदों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के यूके में उनकी हालिया टिप्पणी पर माफी मांगने की मांग की। जैसे ही लोकसभा के कार्यवाही शुरू हुई, रक्षा मंत्री खड़े हो गए और कहा कि गांधी ने भारतीय लोकतंत्र पर अपनी टिप्पणी के जरिए लंदन में भारत को बदनाम करने की कोशिश की है। सिंह ने कहा कि श्री राहुल गांधी जो लोकसभा के सदस्य हैं लंदन गए और भारत को बदनाम करने की कोशिश की और कहा कि भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि विदेशी ताकतों को भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। इस सदन को उनकी टिप्पणी की निंदा करनी चाहिए और उन्हें माफी मांगनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक ने मांग की। इसी तरह का बयान संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी दिया, जिन्होंने पूछा था कि लोकतंत्र कहाँ था जब मौलिक अधिकारों को कुचला गया था और लोकतंत्र कहाँ था जब केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित एवं अध्यादेश को फाड़ दिया गया था। रक्षा मंत्री की मांग का सत्तारूढ़ गठबंधन के सदस्यों ने भी समर्थन किया। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि भारत में लोकतंत्र मजबूत है और मजबूत हो रहा है। कांग्रेस सदस्यों के कड़ा विरोध जताने पर अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। गांधी ने हाल ही में लंदन में आरोप लगाया था कि भारतीय लोकतंत्र के ढांचे पर क्रूर हमला हो रहा है और देश की संस्थाओं पर व्यापक हमला हो रहा है। इसी बीच विपक्षी दलों के मौजूदा बजट सत्र में भाजपा के राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई और अडानी समूह के खिलाफ आरोपों और जैसे मुद्दों को उठाने की योजना बनाई गई है। हिडनबर्ग अडानी मुद्दे पर उनके विरोध के बाद संसद के दोनों सदनों में अपनी रणनीति तैयार करने के लिए सोमवार की सुबह विपक्षी दलों की बैठक हुई, जो बजट सत्र के पहले आधे हिस्से में छाया रहा। रविवार को राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गड़े और राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने भी आमने सामने मुलाकात की। खड़गे ने एक ट्वीट में कहा कि संसद के आगामी सत्र से पहले वीपी इंडिया से उनका सहयोग लेने के लिए मिला। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों के रूप में हम सरकार को जवाबदेह बनाने में रचनात्मक भूमिका निभाने की इच्छुक हैं और देश के सामने मौजूद हर ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करते हैं। खड़गे ने शुक्रवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग पर लोकतंत्र की हत्या के कटु प्रयास करने का आरोप लगाया। इसके अलावा विपक्षी दल भी चीनी सीमा विवाद और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। 31 जनवरी से शुरू हुआ सत्र 6 अप्रैल को समाप्त होने की संभावना है। संसद एक महीने के लंबे अवकाश के बाद बैठक कर रही है, जो विभिन्न संसदीय पैनलों को विभिन्न मंत्रालयों के लिए केंद्रीय बजट के लिए एक आवंटन की जांच कराने की अनुमति देता है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।